ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ये स्प्रिंग सीजन है, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स स्नोफॉल से ऐसा लग नहीं रहा है। जबकि ये समय है बर्ड मेटिंग एंड ब्रीडिंग का, और साल के इस समय जंगल में बर्ड्स की कॉल किसी भी सीजन के मुकाबले अधिक सुनाई देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, शायद स्नोफॉल की वजह से। ठंड ने पक्षियों को ब्रीडिंग ग्राउंड से दूर लोअर एल्टीट्यूड में रहने के लिए फोर्स कर रखा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दुनिया के कुछ उन स्थानों में से एक है जहां वेस्टर्न ट्रैगोपैन की अच्छी पॉपुलेशन पाई जाती है। पार्क मैनेजमेंट इस पक्षी को इसके हैबिटेट में कंजर्व करने के लिए कमिटेड है। दिस इज मंथ ऑफ मई और ये टाइम है इस पक्षी के एनुअल पॉपुलेशन एस्टिमेशन का, जिससे हर साल पूरे पार्क में इस पक्षी की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन का पता लगाया जाता है। लेकिन इससे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल में इस बर्ड की प्रेजेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। पिछली कुछ लर्निंग और क्लाइमेट चेंज को समझते हुए पार्क मैनेजमेंट के लिए ट्रैगोपैन एस्टिमेशन काउंट से पहले ये पता लगाना जरूरी है कि ये पक्षी निर्धारित काउंटिंग साइट्स में एक्टिव है या नहीं। और अपने रेगुलर एल्टीट्यूड से थोड़ा नीचे एक ब्यूटीफुल मेल ट्रैगोपैन की साइटिंग होती है। पार्क का ज़्यादातर एरिया रिमोट है, जिसमें 18 डिफरेंट ट्रैगोपैन काउंटिंग साइट्स हैं। इनमें से 3 जीवानाल रेंज में है और सबसे ज़्यादा 10 साइट्स सैंज रेंज में, और उसके बाद 5 साइट्स तिथन रेंज में है, जिसमें काम करना आसान नहीं है। लेकिन इसके लिए पार्क का फील्ड स्टाफ अच्छी तरह से ट्रेंड है। पार्क डिप्टी कंजर्वेटर मेन इवेंट से पहले फील्ड स्टाफ को जरूरी इंस्ट्रक्शन देते हैं। में आपने डाटा भरेंगे ऊपर, पहले आप लिखेंगे जैसे इसके स्टेशन का नाम लिखा होगा, जो भी आपका स्टेशन इसमें दिया गया है, नेम ऑफ ऑब्जर्वर, डेट, जीपीएस कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम।
और वेदर कैसा है और साथ में हैबिटेट कैसा है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन के लिए कॉल काउंट मेथड यूज किया जाता है। मेल ट्रैगोपैन मेटिंग सीजन में एक स्पेशल कॉल करते हैं जिससे ये फीमेल को अपनी प्रेजेंस नोटिस करवाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वर को इसी कॉल को काउंट करना होता है, ये मानकर कि ह्यूमन ईयर जंगल में 300 मीटर रेडियस तक फिजेंट कॉल को सुन सकते हैं। ऑब्जर्वर डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली कॉल्स को डाटा शीट में नोट करता है। ये जो स्पॉट्स आपके आइडेंटिफाइड हैं वहाँ जाकर आपको जो भी रास्ते में जानवर एनिमल साइन कोई भी हैबिटेट के बारे में कोई आपको ऐसी लगता है कि किस जानवर के प्रे मार्क्स हैं, कोई स्कैट्स हैं, कोई ड्रॉपिंग्स हैं, वो सारी आपने उसमें रिकॉर्ड करें। इस बार के ट्रैगोपैन एस्टिमेशन में IFS प्रोफेशनल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। पार्क की तीनों रेंजेस में इन्हें डिवाइड किया गया है, जिनमें से 6 IFS प्रोफेशनल सैंड रेंज के शक्ति इलाके में जा रहे हैं। लोकल फॉरेस्ट स्टाफ इस दौरान इनके साथ रहेगा और ट्रैगोपैन पॉपुलेशन एस्टिमेशन और साइट तक की हार्ड ट्रैकिंग को करने में हेल्प करेगा। पहले दिन शक्ति होमकनी टीम लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैक करके अपनी लोकेशन पर पहुंचती है। हालांकि न्यू IFS ऑफिसर के लिए ये एक टफ ट्रैकिंग थी, लेकिन इन्होंने इसे बखूबी पूरा किया है। टीम अंधेरा होने से पहले अपना कैंप सेट करती है। सुबह इन्हें जल्दी उठकर कॉल काउंट करनी है, इसलिए इस टीम को अब आराम करना ज़रूरी है। Good morning. Morning. Yes, sir. अर्ली मॉर्निंग सभी एक्चुअल लोकेशन पर पहुंचते हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन यहाँ काफ़ी ठंड है और ये ठंड ट्रैगोपैन के कॉल करने की संभावना को कम कर सकती है। एक घंटा बीत गया है, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी है। इससे लगने लगा है कि यहाँ ट्रैगोपैन शायद नहीं है। कोल्ड वेदर से पक्षी शायद अभी नीचे ही थे। किसी भी डिसीजन पर पहुँचने से पहले थोड़ा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। एक सिंगल कॉल वेस्टर्न ट्रैगोपैन की थोड़ी दूर से सुनाई देती है। Thank you.
कॉल के बाद दो और कॉल्स डिफरेंट साइड से सुनाई देती है। कैंप में वापस आकर सभी आराम करते हैं। सपोर्टिंग स्टाफ टीम के लिए खाना बनाने की तैयारी करता है। सभी नेशनल पार्क के सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए अपना लंच करते हैं और दिन का समय आसपास के जंगल में दूसरे एनिमल को देखने की कोशिश में बिताते हैं। कॉल काउंट को अगले दिन भी सेम लोकेशन पर रिपीट किया जाता है। इसमें बीटा गुपैन की कॉल सुनाई देती है। ये एक सक्सेसफुल काउंट था जिसमें इस पर्टिकुलर साइट में कुल 3 वेस्टर्न ट्रैगोपैन मिले हैं। इसी तरह से बाकी की साइट्स पर भी काफ़ी कॉल्स सुनी गई थी और कुल मिलाकर इस साल का कॉल काउंट ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के लिए कामयाब रहा है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वेस्टर्न ट्रैगोपैन का घर है और इसकी पॉपुलेशन का कायम रहना हम सभी के लिए ज़रूरी है। ये पक्षी हिमाचल के साथ साथ पूरे वेस्टर्न हिमालय की शान है।